तो काफी टाइम से वीवो की वी सीरीज के अंदर एक प्रथा चली आ रही थी कि अच्छा खासा प्राइस पे करने के बाद हमें वहाँ पर कुछ अच्छी चीजें तो मिल जाती थी, जैसे अच्छा डिजाइन, ग्रेट बैटरी बैकअप, डिसेंट कैमरास, पर साथ ही कॉम्पिटिशन के हिसाब से वहाँ पर कई सारी चीजें मिसिंग भी होती थी, जैसे प्रॉपर आईपी रेटिंग या फिर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स। और अब फाइनली इस प्रथा का अंत करने के लिए इन्होंने अपनी वी 40 सीरीज को लॉन्च कर दिया है, एंड दिस इज माय फुल ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ वीवो वी 40। और वीवो के किसी भी दूसरे फोन की तरह इसका डिजाइन भी आपको पिघला देगा, क्योंकि ये डिजाइन वाकई में काफी अच्छा है। फ्रंट और बैक से इक्वली कर्व्ड है और फ्लैट एजेस नहीं है, तो इसलिए हाथ में पकड़ने में भी काफी कंफर्टेबल फील होता है। मिडिल फ्रेम इसका प्लास्टिक का बना है और हर बार की तरह गोरिल्ला ग्लास की बजाय कोई स्पोर्ट्स सेंसेशन अल्फा करके ग्लास प्रोटेक्शन इस पर दी गई है। पर जो चीज हर बार की तरह नहीं है वो है आईपी रेटिंग, और ये काफी अच्छी बात है कि ये फोन IP68 रेटेड है, यानी पानी और डस्ट के अगेंस्ट ये मैक्सिमम प्रोटेक्शन आपको दे देगा। पर जानबूझकर फोन को पानी में मत डुबाना, क्योंकि पानी में डूबने से अगर फोन खराब होता है तो उसकी वारंटी वॉइड हो जाती है। और इसकी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करने के लिए कुछ ढक्कन यूट्यूबर्स इसको टेबल पर पटक पटक कर भी दिखाएंगे, आपने ऐसा नहीं करना है, बिकॉज ग्लास इज ग्लास एंड ग्लास कैन ब्रेक। और यहाँ पर क्योंकि कर्व डिस्प्ले है तो थोड़ा और रिस्क बढ़ जाता है डिस्प्ले टूटने का, तो मार्केट में जाओ, अच्छा सा स्क्रीन प्रोटेक्टर डिस्प्ले पर लगवा लेना, केस आपको बॉक्स के अंदर मिल ही जाएगा। स्क्रीन के बेजल्स भी काफी कम है और फोन अच्छा दिखने के साथ साथ अंदर चल रही चीजों को अच्छा दिखाने में भी कैपेबल है, क्योंकि डिस्प्ले भी काफी अच्छी यूज की गई है। इट्स ए 6.78 इंचेस फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले, रेजोल्यूशन नॉर्मल 1080p डिस्प्ले से थोड़ा ज्यादा है, तो थोड़ी एक्स्ट्रा शार्पनेस यहाँ पर मिल जाती है। इसे आप सेटिंग में जाकर 1080p या फिर 1260p कर सकते हो, वैसे दोनों में ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चलता है, तो बेटर है आप इसे 1080p पर रखो, क्योंकि इससे थोड़ी बैटरी भी ज्यादा चलेगी। डिस्प्ले के कलर्स के साथ साथ कलर टेम्परेचर को एडजस्ट करने के ऑप्शंस भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जिन्हें आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और ज्यादातर एप्स 120 हर्ट्ज पे चल भी जाती हैं अगर आप रिफ्रेश रेट को हाई पर रखते हो। स्मार्ट स्विच पर करने से यूट्यूब, इंस्टा और बाकी थर्ड पार्टी एप्स में 90 हर्ट्ज पर आ जाता है, बस फोन की UI ही 120 हर्ट्ज पर चलती है। बाकी HDR10 प्लस का सपोर्ट मिलता है, कलर्स एंड ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस इसमें मिलेगी और HBM के बारे में ब्रांड ने कुछ भी नहीं बताया है। बाकी मेरी यूजेज में जो मैंने एक्सपीरियंस किया, आउटडोर्स में डिस्प्ले बहुत ब्राइट फील हो रही थी, कोई भी ऐसी मुझे प्रॉब्लम फेस वहां पर नहीं हुई, तो यहां पर इसे फुल मार्क्स मिलेंगे। और जो मार्क्स इनकी ऑडियो क्वालिटी की वजह से हर बार काट लिए जाते थे, वो भी अब की बार उतने नहीं कटेंगे, क्योंकि पहली बार इन्होंने वी सीरीज के अंदर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स डालकर दिए हैं, तो दिल खोलकर इनका स्वागत करना बनता है। लाउडनेस भी यहां पर काफी अच्छी है, हां फुल वॉल्यूम पर क्लैरिटी की थोड़ी कमी फील होती है, स्पेशली जब आप कोई म्यूजिक वगैरह सुनते हो। और साउंड सेपरेशन भी थोड़ा बेटर हो सकता था, पर हां पहले के कंपैरिजन में इंप्रूवमेंट जरूर आई है, ये बात मानने लायक है। वैसे स्टीरियो स्पीकर्स के साथ डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिल जाता तो और भी बढ़िया होता। वैसे कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स यहां पर दे रखी हैं साउंड को कस्टमाइज करने के लिए, तो हां हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे गाड़ी ट्रैक पर आ रही है। और इस तरह की इंप्रूवमेंट्स हम कैमरास के अंदर भी देखना चाहेंगे। फ्रंट, मेन, रियर और अल्ट्रा वाइड तीनों कैमरास 50 मेगापिक्सल के हैं, सो थम्स अप फॉर दैट। कैमरा ऐप के अंदर आपको 3 पिक्चर स्टाइल्स देखने को मिलेंगे, विविड, टेक्सचर्ड एंड ज़ाइस नेचुरल। बाय डिफॉल्ट ये विविड पर रहता है, जिसमें कलर्स आई प्लीजिंग या फिर थोड़े बूस्टेड मिलते हैं। दूसरा है टेक्सचर्ड, जो मेरे हिसाब से किसी काम का नहीं है, इसमें कंट्रास्ट को ज्यादा ही बढ़ा देता है। और तीसरा है ज़ाइस नेचुरल, और ये मैक्सिमम सिचुएशन में अच्छा काम कर लेता है, लेकिन कभी कभी इसकी HDR प्रोसेसिंग थोड़ी गड़बड़ा जाती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो बाय डिफॉल्ट आपको मिल रहा है उसी में फोटोज क्लिक करो, क्योंकि ज्यादा कंसिस्टेंट रिजल्ट इसी में आते हैं। फोटोज के अंदर डिटेल्स अच्छी मिलेंगी और इसमें कोई टेलीफोटो कैमरा नहीं है, तो डिजिटली जूम करके ही आप सब्जेक्ट के क्लोजअप शॉट ले पाओगे, जहां पर 2x में भी शार्पनेस और डिटेल्स काफी अच्छी आ जाती हैं। फोटोज में विविड कलर आपको मिलेंगे, जो कि आई प्लीजिंग लगते हैं लेकिन ओवर सैचुरेटेड नहीं लगते। मेन और अल्ट्रा वाइड कैमरा के कलर्स में ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, और क्योंकि अल्ट्रा वाइड कैमरा 50 मेगापिक्सल का है तो इसमें डिटेल्स भी बहुत बढ़िया मिल जाती है। टारगेट एक्सपोजर भी ऑन पॉइंट है और लाइट कंट्रोल भी बहुत सही है। अपोजिट सनलाइट भी फोटोज ओवर एक्सपोज नहीं होती। डायनेमिक रेंज भी काफी अच्छी है। पोर्ट्रेट मोड के अंदर बहुत सारे फिल्टर्स और ज़ाइस लेंस ऑप्शन आपको मिलेंगे, एंड टू बी ऑनेस्ट सारे ही यूज करने लायक नहीं है, कुछ में फोटो अच्छी आ जाती है तो कुछ में बहुत ही अजीब सी आती है। हाँ, ज़ाइस के जो मल्टीपल लेंस ऑप्शन है वो आप जरूर ट्राई कर सकते हो, और नॉर्मल पोर्ट्रेट मोड में भी काफी अच्छी फोटोज क्लिक कर लेता है। हाँ, बस आप फेस ब्यूटी को ऑफ कर लेना, नहीं तो फेस से डिटेल्स गायब हो जाएंगी। फ्रंट कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का है, जिसमें कलर्स काफी हद तक एक्यूरेट आते हैं, फेस को ओवर शार्प भी नहीं करता, टेक्सचर भी काफी हद तक नेचुरल मेंटेन कर लेता है। एक चीज मैंने यहाँ पर नोटिस करी कि स्किन टोन थोड़ी रेडिश दिखती है, और जब बैकग्राउंड में लाइट तेज होती है तो ये लाइट कंट्रोल तो सही से कर लेता है, लेकिन फेस को इवनली लिट अप ये नहीं कर पाता। हालांकि धूप में कलर्स फेड नहीं होने देता और लाइट भी अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। फ्रंट कैमरा के पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन में थोड़ी सी दिक्कत मुझे लगी, होप ये सॉफ्टवेयर अपडेट से ठीक हो जाए। अब वीडियोस की बात कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह की वीडियो क्वालिटी आपको इसके फ्रंट कैमरा से मिलेगी। आप फ्रंट में 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, हालांकि जो V40 Pro है वहां पर 4K 60fps का ऑप्शन मिलता है फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से। और ऑडियो क्वालिटी आप इससे आइडिया लगा सकते हो, आसपास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, अभी हम वॉक कर रहा हूँ तो स्टेबलाइजेशन का भी आइडिया लग जाएगा आपको। और इसमें एक वॉइस आइसोलेशन का फीचर है, ये मैंने ऑन कर दिया, सॉरी वोकल एनहांसर। अभी आवाज़ में थोड़ा फ़र्क आपको लग रहा है, थोड़ा बैकग्राउंड का नॉइस ने कैंसिल किया है या फिर नहीं, वो अभी वीडियो देखने के बाद मैं आपको बता पाऊंगा। और आप भी वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बता देना कि इसमें
कुछ फर्क आपको दिखा है या फिर नहीं इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद? तो फ्रंट कैमरा की वीडियो क्वालिटी वाकई में काबिल तारीफ है। कलर, शार्पनेस, एक्सपोजर कंट्रोल, सब कुछ इसने मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत बेटर डिलीवर किया है। बस यहाँ पर थोड़ा स्टेबिलाईजेशन की मुझे कमी लगी, वो इम्प्रूव हो सकता था। फ्रंट कैमरा वाली खूबियां यहाँ पर भी आपको दिखेंगी और सीन चेंज होने पर ये एक्सपोजर शिफ्ट भी नहीं होने देता, जो कि काफी अच्छी बात है। और सबसे बढ़िया चीज जो मुझे इसकी लगी वो है इसका लाइट कंट्रोल। इसके साथ शेडोज भी थोड़ी और बेटर एक्सपोज्ड होती तो और भी मजा आता। अब क्योंकि ये एक मिड रेंज फोन है तो उसके हिसाब से काफी बढ़िया वीडियो क्वालिटी ये दे रहा है। स्टैंडर्ड स्टेबिलाईजेशन 4K 30fps में काम करता है, लेकिन ये बेटर हो सकता था। अल्ट्रा स्टेबिलाईजेशन सिर्फ आपका 1080p 30fps तक ही काम करेगा। तो आई होप ये चीज पर भी ये जरूर ध्यान दे, जिस तरह से इन्होंने आपकी बात स्टीरियो स्पीकर दिए हैं, नेक्स्ट टाइम ये स्टेबिलाईजेशन भी थोड़ा सा बेटर कर ले। कुछ नाइट मोड पोर्ट्रेट्स भी मैंने ट्राई किए एंड सीरियसली ये बहुत ही सही लग रहे थे। और जो पीछे की तरफ ये ओरा लाइट दे रखी है ये सच में अच्छा काम करती है। इसे आप फ्लैश लाइट की तरह भी यूज कर सकते हो, लेकिन ओरा लाइट की तरह ही इसे यूज करोगे तो रिजल्ट्स बेटर आते हैं। डिफरेंस आप यहाँ पर देख सकते हो, ओरा लाइट, फ्लैश लाइट ऑन एंड फ्लैश लाइट ऑफ। और इसकी एक चीज जो मैं फ्लैगशिप लेवल की बोल सकता हूँ वो है इसका नाइट मोड, और मैं सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना बढ़िया काम करेगा। बहुत ही कम लाइट में भी इसने ब्राइट एंड नॉइज फ्री फोटोज क्लिक करी है। इसके लिए एक बिग थम्स अप। अब वीवो के फोन्स में ना इनका फ्रंट टच ओएस ऐसी चीज है जो लोगों को इनका फोन लेने से कई बार रोक देता है। रीजन है एड्स, ऐप रिकमेंडेशन एंड ब्लॉटवेयर। पर थैंकफुली यहाँ पर भी इन्होंने कई सारी चीजें फिक्स करी हैं, जैसे प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करने पर अब फालतू की रिकमेंडेशन ये शो नहीं करता। प्रॉपर ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशन भी हैं, कुछ नए फीचर्स भी डाले गए हैं और AI का इंटीग्रेशन भी कर दिया गया है। और कस्टमाइजेशन के जो फीचर्स इसमें मिलते थे वो तो हैं ही। बस अब यहाँ पर इनका ब्राउजर और ऐप स्टोर बचता है, जो कि अजीब अजीब नोटिफिकेशंस आपको भेजेंगे, तो इन्हें जाकर आपको मैन्युअली ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि डिसेबल तो ये ऐप्स होती नहीं है। हाँ, जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स मिलती हैं उन्हें आप चाहो तो अनइंस्टॉल कर सकते हो। एंड्रॉइड 14 बेस फ्रंट टच ओएस 14 पर ये फोन अभी चल रहा है, और 3 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स इस फोन को मिलेंगे, ऐसा कंपनी ने बोला है। एंड आई होप कि इन अपडेट्स में ये अपनी UI को रिफाइन करने पर थोड़ा काम करे, क्योंकि एक तो इनका क्विक सेटिंग ड्रॉअर आप देखोगे तो ये बहुत ही आउटडेटेड सा लगता है, और कहीं कहीं पर स्मूथनेस की भी कमी UI में फील होती है, और UI में हैप्टिक्स का इंप्लीमेंट भी कहीं पर नहीं कर रखा। एंड स्पीकिंग ऑफ हैप्टिक्स, ये भी इस फोन के अंदर सस्ते वाले ही डाले गए हैं। बस ये लोग अपने UI और हैप्टिक्स पर थोड़ा काम कर लें, उसके बाद मजे ही मजे, जैसे 12th की बात होते हैं। और मजे मजे में ही वीवो ने इस फोन में पुराना V30 वाला प्रोसेसर डाल दिया है, विच इज स्नैपड्रैगन 7 Gen 3। देखो वैसे प्रोसेसर में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके डेली टास्क ही स्मूथली हैंडल कर लेगा, ना कोई ओवरहीटिंग का इशू है, और कैजुअल टू मॉडरेट गेमिंग भी आप इसमें बड़े आराम से कर सकते हो। BGMI HDR+ एक्सट्रीम पे और गेंशिन हाईएस्ट ग्राफिक्स में मैंने खेली, कोई मेजर लैग मुझे इसमें नहीं लगा, दोनों ही 60fps तक आप खेल सकते हो। अब फोन थोड़ा गर्म जरूर हुआ था लेकिन ओवरहीट नहीं हो रहा था। और फोन ठंडा होने के बाद 50 थ्रेड्स एंड 15 मिनट्स तक थ्रोटल टेस्ट भी इसमें रन करवाया, और वहां पर भी इसका ग्राफ ग्रीन ही रहा, और ये काफी अच्छी बात है। एंड नाउ यू माइट आस्क कि जब सारे काम ये प्रोसेसर इतने अच्छे से कर रहा है तो फिर दिक्कत कहां है? तो देखो, ये फोन का बेस वेरिएंट आपको पड़ेगा 35,000 का, और स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 आपको अंडर 30,000 भी कई सारे अच्छे फोन्स में मिल जाएगा। ऊपर से यहाँ पर स्टोरेज भी UFS 2.2 यूज की गई है, और रैम है LPDDR4X, जो कि इस प्राइस पर थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है। तो जितना प्राइस हम पे कर रहे हैं उसके हिसाब से एक बेटर प्रोसेसर और फास्टर स्टोरेज हम इस फोन में एक्सपेक्ट कर सकते थे। तो अगर आप हैवी गेमर हो या फिर कोई ग्राफिक इंटेंस आपने काम करना है, कोई भी हैवी काम करना है, तो इस प्राइस पर आपको और बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस का आपने कुछ अगर करना नहीं है और बाकी चीजें इस फोन में आपको पसंद आ रही है, तो डेफिनेटली इस फोन की तरफ आप जा सकते हो, क्योंकि इस फोन में कई सारी चीजें ऐसी हैं जो वाकई में काबिले तारीफ हैं, जैसे इसका बैटरी बैकअप। इस फोन में 5500 mAh की बैटरी दी गई है, और उसके बाद भी फोन काफी हल्का और पतला है। 80 वॉट्स की चार्जिंग मिलती है, और चार्जर भी अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा, ये भी आपको डब्बे के अंदर ही मिलेगा। बैटरी बैकअप भी इस फोन का जबरदस्त है, तो फोन बार बार चार्ज भी नहीं करना पड़ता। एवरेज स्क्रीन ऑन टाइम 7 से 8 घंटे आराम से आपको मिल जाएगा, और मेरी यूजेज में कैमरा टेस्ट, थोड़ी गेमिंग, टोटल टेस्ट और गीकबेंच रन कराने जैसे हैवी टास्क भी थे, और उसके बाद भी बैटरी बैकअप मुझे इसमें काफी सही मिल गया, और इसके अंदर बैटरी हेल्थ को चेक करने का भी ऑप्शन है। बाकी ब्लूटूथ 5.4 इस फोन में मिलता है, वाईफाई एंड मोबाइल डेटा काफी सही से काम करते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो जितने भी जरूरी सेंसर्स हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। हाँ, यहाँ पर NFC नहीं दिया गया, पिछली बार भी नहीं था, आपकी बार भी नहीं है, और ये बात हम पहले बोल सकते थे कि NFC को कोई इतना यूज नहीं करता है, लेकिन अब पेमेंट्स वगैरह करने के लिए NFC को लोग यूज करते हैं, तो V40 के बाद अगली जो सीरीज आएगी उसमें हो सकता है NFC को भी इंक्लूड कर दें। तो बस गाइस, ये था आज की वीडियो में। वीडियो कैसी लगी और फोन कैसा लगा वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अमेजिंग टेक वीडियोस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। माय नेम इज मयंक, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट।